नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस YouTube सेशन में। आज इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। वो टॉपिक है हार्मोन्स इम्बैलेंस। देखिए, हम अभी तक बात कर रहे थे कि आपकी एक्सरसाइज है, आपका जो न्यूट्रिशन है, आपका फूड है, वो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और फैक्टर है जिस पे ध्यान देना है। वो फैक्टर है कि क्या कहीं आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो आप कितनी ही अच्छी डाइट ले लें और वर्कआउट कर लें, उसके बावजूद भी आपको वो रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। काफ़ी हद तक आप स्ट्रगल करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं, और उसके बावजूद आपको वो रिजल्ट्स जो आपको चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर हो रहे हार्मोनल चेंजेस के ऊपर फोकस करना है। हार्मोन्स बेसिकली होते क्या है? दीज आर द केमिकल थिंग। वो केमिकल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को, एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, मैसेंजर की तरह हेल्प करते हैं। एक सेल से दूसरे सेल को मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं। ब्रेन सेल्स, बॉडी सेल्स, जो भी सेल्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का जो काम है वो हमारे हार्मोन्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं आज आपके साथ तीन हार्मोन्स की बात करती हूँ कि जैसे इन तीनों हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस होता है तो कैसे हमें वेट गेन की तरफ प्रोसीड कराता है। जैसा हम सब जानते हैं, हमारी स्किन है, स्किन के नीचे हमारे फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। फैट सेल्स को हम एडिपोज टिश्यू या फैट सेल्स भी बोलते हैं। उसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उसके अराउंड भी फैट डिपॉजिटेड होता है, तो उसको हम विसरल फैट बोलते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स के अराउंड होता है। जैसे हमारे हार्ट के अराउंड है, लीवर के आसपास है, हमारे स्टमक के चारों तरफ है, पैनक्रियाज के अराउंड है। तो ये जितने भी हमारी एब्डोमिनल कैविटी, हार्ट के अराउंड जो फैट है, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड जो फैट होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं, और जो फैट हमारी स्किन के नीचे होता है वो हमारा सबक्यूटेनियस फैट या बॉडी फैट, इन नामों से हम बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फैट होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। और जो एडिपोज टिश्यू है वो एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ऑर्गन है। एंडोक्राइन ऑर्गन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो इस पर्टिकुलर ऑर्गन से सिक्रीट होता है, इस फैट टिश्यू से जो सिक्रीट होता है, वो है एडिपोलैक्टिन। एडिपोनेक्टिन जो हार्मोन है, एडिपोनेक्टिन हार्मोन एडी मीन्स एडिपोज टिश्यू से जो सिक्रीट होता है उस हार्मोन को एडिपोनेक्टिन हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन का जो बेसिक काम क्या है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट को और मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एडिपोनेक्टिन हार्मोन का जो लेवल है, अगर वो लेवल गड़बड़ होता है, वो इम्बैलेंस होता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो हमें मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को कंट्रोल करना है तो हमारा एडिपोनेक्टिन हार्मोन है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। अब एडिपोनेक्टिन हार्मोन कंट्रोल में रखने के लिए इसका हम एक सिंपल सा बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर बात करें कि एडिपोनेक्टिन हार्मोन जितना हाई होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही मेटाबॉलिक डिसफंक्शन रेट हमारा कम होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा काम करेगा, ठीक है। दूसरा, ये जो एडिपोनेक्टिन हार्मोन है वो हमारा बॉडी में जो भी एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और एंटी डिप्रेसेंट का ये काम करता है। तो जो हमारे डिप्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, अगर एडिपोनेक्टिन हार्मोन की लेवल अगर गड़बड़ हो जाती है तो हमारे को डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब जब भी इसका लेवल गिरता है, एडिपोनेक्टिन का जो लेवल है अगर आपकी बॉडी में गिरता है,
तो वो किन रीज़न से गिरता है? अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, आप एक बॉडी की क्लॉक को नहीं मेंटेन कर रहे हैं कि आपके स्लीपिंग आवर्स ठीक नहीं हैं, आप क्योंकि मॉडर्न टाइम है तो इस टाइम में इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, कोई नेटफ्लिक्स पे बैठा है, कोई अमेज़ोन प्राइम पे बैठा है, और वीकेंड्स पे हम देर देर तक बैठ के मूवीज़ देखते हैं, और हमारे बच्चों की तो आदतें काफ़ी हद तक ख़राब ही हो गई हैं, वो पूरी पूरी रात बैठ के अपने दोस्तों से बातें करते हैं या चैटिंग कर रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो गई है। दूसरा, जंक फूड हैं और पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड हैं वो हम ले रहे हैं, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो हमारे इस हार्मोन के इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है? तो अगर हमें इस हार्मोन के को बैलेंस में लाना है तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई हैवी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, रनिंग करना शुरू कर दो। एक्सरसाइज का मतलब है आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, साथ में कोई योगा कर लें, और सिंपल वर्कआउट प्लान्स आप अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज करें। आप वेट लॉस के लिए अपने खाने को एक बैलेंस्ड डाइट लें। बैलेंस्ड डाइट का मैंने आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है जिसमें आपके सारे कंपोनेंट्स हों और हेल्दी फैट इसमें होना चाहिए, ठीक है। और हेल्दी फैट मतलब आपका ऐसा फैट होना चाहिए जिसमें रिफाइंड ऑयल आप ना यूज़ करें, आप उसकी जगह पे घी यूज़ करें, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करें, सेसमी सीड ऑयल यूज़ करें, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करें, ठीक है, ये सब आप यूज़ करें। और जब आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और एक बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो, और एक साउंड स्लीप अगर आपकी होगी, मतलब आप एक सिस्टम बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर प्रॉपर फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक आपका ये एडिपोनेक्टिन हार्मोन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपका सफिशेंट अमाउंट में एडिपोनेक्टिन हार्मोन है वो सिक्रीट होगा, और जब एडिपोनेक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन सफिशेंट होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से आपकी आपके जो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करेंगे, आपको प्रॉपर भूख लगेगी, और जो भी खाना आपने खाया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, आपका डाइजेशनल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी, आपका जो मेंटल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, तो आपके लॉन्ग रन में जाके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे, जैसे आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह के इश्यूज़ नहीं होंगे, और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। इंसुलिन भी एक अपने आप में हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। अब ये जो हार्मोन इम्बैलेंस है ये भी आपके लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। जब आप साउंड स्लीप नहीं लेंगे, आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे, आप बहुत लंबे गैप्स के बाद खाना खाएंगे, आप ज़्यादा तले भुने फ्राइड चीज़ें खाएंगे, ठीक है, तो अगर इस तरह का, और जंक अगर आप फूड आप ज़्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होगी और आपकी पैनक्रियाज का जो फंक्शन है वो डिस्टरप्ट होगा, और पैनक्रियाज का फंक्शन जब डिस्टरप्ट होता है तो उस वजह से आपका जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टरप्ट हो जाता है। डिस्टरप्ट का मतलब है वो जब माल फंक्शनल हो जाएगी आपकी पैनक्रियाज तो इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट नहीं करेगी, और जब आप जंक लेते हो, आप ढंग से सोते नहीं हैं तो, और एक्सरसाइज नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो बॉडी फैट है वो इंक्रीज होता है, और धीरे धीरे आप जब ओबीज होते हैं तो आपकी आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब है कि शुरू में आपकी पैनक्रियाज सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, लेकिन बॉडी उस इंसुलिन के कॉरस्पॉन्डिंगली उस इंसुलिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। और इंसुलिन क्यों चाहिए? इंसुलिन हमारी जो ब्लड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया था उसकी वजह से जो ग्लूकोज रिलीज हुआ था उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कराना होता है, ट्रांसमिट कराना होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल कहाँ से लेते हैं, जो खाना या जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया उसकी वजह से जो ग्लूकोज रिलीज हुआ वो हमारे सेल्स में जब एंटर होगा तो वो इंसुलिन की वजह से एंटर होगा और वहाँ वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो उस केस में क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा, आपके सेल्स के अंदर एंटर नहीं करेगा, और सेल्स में एंटर नहीं करेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप 24 घंटे फटीग्ड फील करेंगे, आपको बार बार भूख लगेगी, क्यों, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो उससे आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपको लगता है कि भाई हाँ मुझे और खाना चाहिए और खाना चाहिए,
तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फिर एक और हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, वो होगा, दो और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, वो है लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन हार्मोन जो है वो बेसिकली हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। तो जैसे लेप्टिन क्या करता है कि हमारी बॉडी को या हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि भाई हमारी बॉडी के पास सफिशेंट फैट है, तो और फैट डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारा, मैंने आपको बोला कि एडिपोज टिश्यूज़ हैं वो फैट को स्टोर करके रखते हैं, लिपिड स्टोरेज का काम करते हैं, तो वो लिपिड स्टोरेज का कि सफिशेंट लिपिड या सफिशेंट फैट स्टोरेज हमारी बॉडी के पास है और फैट नहीं चाहिए, ये जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन को लेप्टिन हार्मोन देता है। तो जब हमारा लेप्टिन हार्मोन का लेवल जब हमारा इंक्रीज हो जाता है, लेप्टिन हार्मोन का जब लेवल इंक्रीज होता है, तो उस केस में जितने भी ओबीज लोग होते हैं उनका लेप्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। तो लेप्टिन हार्मोन इंक्रीज होने से आपका जो बॉडी है उसको, ब्रेन को, बॉडी अपने बॉडी ब्रेन को सिग्नल देगी कि हाँ देर इज़ अ सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फैट, तो फैट की सफिशिएंट स्टोरेज है और अब आपको और नहीं खाना है, मींस स्टॉप ईटिंग, मतलब आपको फुलनेस की का एहसास जो है वो लेप्टिन हार्मोन देता है, अगर आपका सफिशिएंट अमाउंट में लेप्टिन आपकी बॉडी में बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ओबीज जो होते हैं, मोटे जो लोग होते हैं, उनके पास तो फैट टिश्यूज ऑलरेडी हैं और काफ़ी सारा फैट टिश्यू है, तो उनके पास लेप्टिन हार्मोन भी काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी बॉडी में लेप्टिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम हो जाती है। जो डायबिटीज़ 2 वाले पेशेंट्स होते हैं या जो भी ओबीज लोग होते हैं उनके अंदर लेप्टिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेप्टिन रेजिस्टेंस में भी क्या होता है कि आपकी बॉडी में सफिशेंट लेप्टिन है लेकिन ब्रेन को वो सिग्नल नहीं जा रहा है कि यस देर इज़ अ सफिशिएंट स्टोरेज ऑफ फैट इन द बॉडी, और उसके बावजूद ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और वो कहेगा कि हंगर को ट्रिगर करेगा कि और खाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को फैट मिले। तो जितने भी ओबीज लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, तो उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो लेप्टिन का जो इम्बैलेंस है, लेप्टिन रेजिस्टेंस जो है वो उनके ब्रेन के अंदर फॉल्स सिग्नल भेजता है और वो फॉल्स सिग्नल की वजह से उनको हंगर, बार बार हंगर लगती है और वो बार बार ओवर ईट करते रहते हैं। तो और साथ में एक और हार्मोन है जो कि ओबेसिटी की वजह से ट्रिगर होता है, वो है ग्रेलिन हार्मोन, जिसमें हम फूड क्रेविंग हमारी कंट्रोल करता है कि हमें जो क्रेविंग, जैसे मीठा खाने की क्रेविंग है या अलग अलग फ्राइड फूड खाने की जो क्रेविंग है या पैकेज्ड फूड खाने की जो क्रेविंग है, तो जब ग्रेलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो जाती है तो उस केस में भी हमारे बॉडी डिमांड करती है, हमारा ब्रेन हमें रॉन्ग और फॉल्स सिग्नल देना शुरू करता है कि यस आई नीड समथिंग टू ईट, समथिंग स्वीट टू ईट, समथिंग फ्राइड एंड चटपटा टू ईट, तो वो जो प्रॉब्लम है वो ग्रेलिन की वजह से आती है। तो ग्रेलिन हो गया, एडिपोनेक्टिन हो गया, इंसुलिन हो गया और लेप्टिन हार्मोन हो गया, तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं, ये के सारे हार्मोन्स हमारे ट्रिगर हो जाते हैं और एक इम्बैलेंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है जब हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें देखना है कि हम अपने बॉडी के इम्बैलेंस, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको कैसे करेक्ट करें, उसको कैसे ठीक करें। तो उसका तरीका ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें, जो अर्बनाइजेशन की वजह से और मॉडर्न फैसिलिटीज़ की वजह से जो हमने लाइफस्टाइल अपना डिस्ट्रॉय किया है उसको ठीक करें। और उसको ठीक करने का तरीका, सबसे पहला तरीका है कि हमें रिफाइंड ऑयल अपने खाने से बिल्कुल निकाल देने हैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को ऑक्सीडाइज्ड, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइजेशन को रोकने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल और रिफाइनमेंट की जाती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो हमें सबसे पहले अपनी किचन से रिफाइंड ऑयल को फेंकना है। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और आपका सरसों का तेल और जितने भी हमारे ट्रेडिशनल ऑयल है, घी, हमारा देसी घी जो है वो मोटापा नहीं बढ़ाता है, देसी घी ज़रूर खाना चाहिए। तो ये जो हैं इस तरह के, और आपका कोकोनट ऑयल है वो आपको खाना चाहिए, तो वो आपका हेल्दी फैट है। उसके अलावा आपको जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, वो आपको एक ओमेगा 3 देंगे,
तो ओमेगा 3 इज़ अ हेल्दी फैट, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो फैट होता है वो ओमेगा 6 फैट होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए, हमारे हार्मोनल इम्बेलेंस को ट्रिगर करता है। तो वो हमें पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को हमारी लाइफ से हमें बिल्कुल निकालना है। हमें एक बैलेंस्ड डाइट की तरफ प्रोसीड करना है, क्योंकि अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो उसमें हमारे सफिशेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वेट सब कुछ हमारा उसके अंदर होगा। और हमें रफेज ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में रफेज लेंगे तो वो हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और मूवमेंट ऑफ बाउल मूवमेंट अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेटेड नहीं फील करेंगे। कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो आपके हार्मोनल बैलेंस को एनहेंस करेगा। और उसके अलावा हमें एक ईटिंग पैटर्न सेट करना है, हमें अपनी बॉडी को एक रिदम सिखानी है कि हम इस इतने बजे से इतने बजे में खाएंगे। तो जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसके टाइम पे आपको बोल चुकी हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, और आप अपनी बॉडी के अनुरूप अपनी बॉडी को सुनते हुए अपनी विंडो को सेट करें, और जो एक बार विंडो सेट कर लें थ्रू आउट आगे भी जो भी लाइफ है उस विंडो को फिर फॉलो करें, उसमें ज़्यादा मेजर फ्लक्चुएशंस उस विंडो में ना करें और कंसिस्टेंटली आप उस प्रैक्टिस को फॉलो करें। दूसरा, आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं वो ना लें, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कॉफ़ी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉफ़ी आप ना लें, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टी आप ना लें। एक्सेसिव कॉफ़ी या टी लेने से क्या होगा कि आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ओवर एक्टिवेटेड हो जाएगी, और कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ओवर सिक्रीट होगा और फेक एनर्जी ड्रिवन हो जाएगा हमारा बॉडी, और हमें एहसास, भूख का एहसास, हमारा हंगर जो है वो हमारी सप्रेस हो जाएगी और हमारी बॉडी में माल न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कैफिनेटेड ड्रिंक्स हमें जितने कम हो सके उतने कम लेने हैं, और साथ में हमें अच्छे से एक्सरसाइज और वर्कआउट करना है। एक्सरसाइज और वर्कआउट करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो हैप्पीनेस वाला जो फैक्टर है वो इम्प्रूव होता है, और जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो एनहेंस हो जाती है। तो ब्रेन फंक्शनिंग एनहेंस होती है, सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन अच्छा होता है। सेरोटोनिन हार्मोन जब सिक्रीशन अच्छा होता है तो वी फील हैप्पी, एंड व्हेन एवर वी आर हैप्पी तो हम फिर हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं। इसके अलावा इस तरह से अगर हम ये सब चीज़ें, ये सारे चेंजेस अगर अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेके आएंगे तो आप अपने हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और जब हार्मोन्स का लेवल बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप एक वेट लॉस जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लीड कर पाएंगे। उम्मीद है आप अपनी बॉडी को सुनेंगे और अपनी बॉडी पे वर्क करेंगे और ये देखेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप अपनी जो कि आपकी बॉडी के अगेंस्ट चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आइए और देखिए, आप जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है, भगवान ने हमें इतना अच्छा मैकेनिज्म बना दे के इस धरती पे भेजा है कि हम अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को हील कर सकते हैं बिना किसी हार्मोनल थेरेपी के और बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के हम क्योर कर सकते हैं अपने आप को। कई कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और आज के इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।